हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि आज नई कोई वैकेंसी आने वाली है। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा और वैकेंसीज की मैंने कलेक्शन की हुई है, और आज की जो वैकेंसीज हैं उसमें आपको लेटेस्ट जो जॉब्स होंगी टीचिंग की, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो जो लोग, जो जो मेरे फ्रेंड्स टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं या जॉब सर्च करना चाहते हैं और वेल रेपुटेड स्कूल्स में काम करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए आज की ये वैकेंसीज काफ़ी काम की होने वाली हैं। और आज की जो वैकेंसीज हैं वो नियर बाई दिल्ली की हैं, दिल्ली, फरीदाबाद, द्वारका, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत सारे मेरे दोस्त ये भी बोल रहे थे कि आप चंडीगढ़, नॉर्थ इंडिया की ज़्यादा बनाते हो। नॉर्थ इंडिया में दिल्ली भी तो आता है, तो उसकी भी बनाओ। तो आज मैं दिल्ली की जॉब्स आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। लेकिन आज मैं साथ में अपना वीडियो इसलिए बीच में ऐड करता हूँ कि कुछ चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करनी होती हैं। तो आज का जो मैं वैकेंसीज के बारे में आपको बताऊंगा, उसमें एक दो स्कूल्स का जो क्राइटेरिया ऑफ एप्लीकेशन है वो थोड़ा डिफरेंट है। आपको कम्प्लीटली उनका फॉर्म भी भरना है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो वो फॉर्म मैं आज आप लोगों को शो जरूर करूंगा वेबसाइट पे डायरेक्टली लेके जाके। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की जानकारी। फ्रेंड्स, एक तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ, ये एक एडवर्टाइजमेंट भी इनकी आई हुई है, लेकिन इसके अलावा मैंने और भी रिसर्च किया है इनकी वैकेंसीज के बारे में। तो पहले तो एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करता हूँ कि वैकेंसीज ओपन फॉर ऑल अदर पोस्ट ऑल्सो। इन्होंने जो नया सेशन स्टार्ट होने वाला है 2021 और 22 का, उसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है, और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज की ओपनिंग हुई है। जैसे कि प्राइमरी विंग कोऑर्डिनेटर की इनको ज़रूरत है, तो प्राइमरी विंग कोऑर्डिनेटर के लिए कम से कम आपका पहले तो पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और बीएड होनी चाहिए, और कम से कम 5 साल का आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड एटलीस्ट 3 ईयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए टू अप्लाई। नॉलेज ऑफ करंट एजुकेशनल ट्रेंड्स इन प्राइमरी एजुकेशन इज़ वेरी मस्ट। ठीक है, तो आप दूसरी बात, कैंडिडेट हैविंग द सिमिलर एक्सपीरियंस में अप्लाई। तो जिनके पास प्राइमरी विंग कोऑर्डिनेटर का एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिनके जिनकी जो क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड, 5 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस और साथ में 3 साल का एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इनको एचआर मैनेजर की ज़रूरत है, हाउस कीपिंग सुपरवाइजर की ज़रूरत है, फीमेल होनी चाहिए हाउस कीपिंग सुपरवाइजर, पीए टू स्कूल डायरेक्टर मेल चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, पीए चाहिए टू द स्कूल डायरेक्टर, एंड ही शुड बी अ मेल, द कैंडिडेट शुड बी मेल। और ये 2021-22 के लिए इनकी वैकेंसीज हैं। कैंडिडेट शुड मेल देयर रिज्यूम एट वैकेंसी एट द रेट ऑफ STTHOMASDWARKA.com, ये इनका ईमेल एड्रेस है जहाँ पे आपने अपना रिज्यूम सेंड करना है। द सब्जेक्ट ऑफ द मेल शुड क्लियरली स्पेसिफाई द पोस्ट अप्लाइड फॉर। कई बार हम रिज्यूम भेज देते हैं लेकिन लिखते नहीं है कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, फिर आपका रिज्यूम रिजेक्ट भी हो सकता है। सैलरी जो होगी इनकी एज पर जो गवर्नमेंट नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको सैलरी यहाँ पे मिलेगी। तो ये इनका फॉर्म है, सेंट थॉमस स्कूल सीनियर सेकेंडरी रिकॉग्नाइज्ड एंड अफिलिएटेड टू CBSE, गोयल बिहार, नियर सेक्टर 19, द्वारका, न्यू दिल्ली, जैसे कि आप यहाँ देख ही सकते हैं। ठीक है, ईमेल एड्रेस मैंने अभी अभी आप लोगों के साथ जो शेयर किया है वो ये है इनका ईमेल एड्रेस। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट, यहाँ आपने फोटोग्राफ लगाना है, यहाँ आपने कंप्लीट इस फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, वो तो आपको पता है कि इसमें जैसे जितनी भी डिटेल होती है वो फिल करनी है, आप लोगों के पर्सनल डिटेल के साथ साथ आपकी एकेडमिक डिटेल क्या है वो फिल करनी है, आपका एक्सपीरियंस कितना है वो फिल करना है, उसके अलावा टीचिंग एक्सपीरियंस, कितनी सैलरी पहले आपकी थी, उसके अलावा आप लोगों का जो एक्सपीरियंसेस हैं वो लिखने हैं यहाँ पे, और कोई वर्कशॉप्स, कोई सेमिनार आपने लगाए हैं वो लिखने हैं। तो ये इनका एक कंप्लीट फॉर्मेट है जिसके थ्रू आप लोगों ने अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। समटाइम्स हम इसका ख्याल ही नहीं रखते और डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं, फिर बोलते हैं कि जॉब ही नहीं लग रही है। जॉब लगने के लिए आपको वो सारी पहले तरीके अपनाने होते हैं, जिस हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन, एक टॉप क्लास ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको फॉर्मेट के अनुसार चलना पड़ेगा। ये इनका फ़ोन नंबर है 8826479990।
इसके अलावा अब मैं आपको इनकी वेबसाइट पे लेके जा रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ पे जो वैकेंसीज ये शो कर रहा है वो थोड़ी और डिफरेंट मेरे को दिख रही हैं। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट वाली दिखाई ये भी जेन्युइन है, क्योंकि ये तो अभी रिसेंटली इनकी एडवर्टाइजमेंट आई हुई है। इसके अलावा जो मैं आप लोगों को अभी लेटेस्ट जो साइट पे ले जाके दिखा रहा हूँ वो भी डिफरेंट है, वो भी मैं आपको अभी जस्ट शेयर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप यहाँ पे अब देख रहे हैं, यहाँ मैंने ये साइट ओपन की हुई है सेंट थॉमस स्कूल, और यहाँ पे जो लेटेस्ट इनकी वैकेंसी शो हो रही है मेरे पास वो इस प्रकार से है। ये देखिए प्राइमरी विंग कोऑर्डिनेटर, और इसके अलावा पीजीटी साइकोलॉजी। प्राइमरी विंग कोऑर्डिनेटर के बारे में तो मैंने आपको भी बताया है, और उनकी एज वहाँ लिखी नहीं थी, यहाँ पे इन्होंने एज लिखी हुई है 35 to 40 के बीच में एज होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन एक पोस्ट और है पीजीटी साइकोलॉजी की, पीजीटी साइकोलॉजी, तो जिनकी एमए साइकोलॉजी है विद बीएड विद 5 years एक्सपीरियंस वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एचआर मैनेजर मैंने आपको बता दिया है, और आप लोगों ने अपने जो रिज्यूम है ये वैकेंसी @stthomasdwarke.com इस ईमेल एड्रेस पे सेंड करना है, और आप लोगों ने ये जरूर लिखना है ऊपर द पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को दूसरी वैकेंसी की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये दूसरा स्कूल है सेंट पॉल स्कूल, आर्यनगर न्यू दिल्ली, सीबीएसई स्कूल है ये। यहाँ पे वैकेंसी निकली है प्रिंसिपल की, जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये 16 दिसंबर को नोटिफिकेशन इनकी आ चुकी है। तो ये जो स्कूल है ये आर्यनगर न्यू दिल्ली में है, और मैं आपको इनकी पूरी की पूरी अब डिटेल बता देता हूँ। देखिए सेंट पॉल स्कूल के नाम से बहुत सारे स्कूल हैं, ये सेंट पॉल स्कूल है, एड्रेस है इनका सेंट पॉल स्कूल, Phase 6 H Block आर्यनगर न्यू दिल्ली इंडिया। और इनका जो ईमेल एड्रेस है वो है chairman.dscs@gmail.com। ओके अब इसके अलावा अब बात करते हैं एक्सपीरियंस जो होना चाहिए कैंडिडेट के पास, एज ए अगर उन्होंने वाइस प्रिंसिपल 5 साल भी काम किया है वो एलिजिबल हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी बीएड के साथ, ये इनकी कंप्लीट नोटिफिकेशन है, और ये पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे इनकी एडवर्टाइजमेंट भी आई हुई है टाइम्स ऑफ इंडिया में, जैसे कि बता रहे हैं कि सेंट पॉल स्कूल की जो वैकेंसी है 16 दिसंबर एडवर्टाइज पब्लिश्ड ऑन 16 दिसंबर 2020, और ये इनका एड्रेस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो मेरे फ्रेंड्स प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जस्ट टू हरी एंड अप्लाई। अब मैं तीसरा जो स्कूल है दिल्ली में उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। स्कूल का नाम है ईस्ट पॉइंट स्कूल, जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्कूल है ईस्ट पॉइंट स्कूल दिल्ली में, और इस स्कूल की तरफ से काफ़ी ज़्यादा अभी लेटेस्ट वैकेंसीज निकली हैं जो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए ईस्ट पॉइंट स्कूल वसुंधरा एनक्लेव न्यू दिल्ली में पीजीटी टीचर्स की जॉब्स की लेटेस्ट वैकेंसीज निकली हैं, और ये अपडेट हुई है अभी 20 दिसंबर को, ठीक है। ईस्ट पॉइंट स्कूल FCU 26 डॉलूपुरा वसुंधरा एनक्लेव न्यू डेरी, यहाँ पे जो वैकेंसीज निकली हुई हैं उसके बारे में अब मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहली वैकेंसी है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी आर्ट एंड क्राफ्ट, ये टीचर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट आई थी 20 दिसंबर 2020 को, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप लोगों ने के दिमाग में पक्का एक क्वेश्चन होता है कि अप्लाई कैसे करें, तो
तो अप्लाई करने का मैं आप लोगों को तरीका भी यहाँ पे बता रहा हूँ। इनका ये ईमेल एड्रेस दे रखा है eastpointsch@gmail.com। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, आप वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पे इनका नीचे ईमेल एड्रेस दे रखा होता है। यहाँ ना हो तो कॉन्टैक्ट में जाओ, कॉन्टैक्ट में आपको सारी की सारी डिटेल, ईमेल एड्रेस वगैरह मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीन स्कूल थे जिनके बारे में मैं आज आप लोगों के लिए काफ़ी रिसर्च करने के बाद, पूरा ऑथेंटिकेट करने के बाद कि एक्चुअल में वैकेंसीज है भी है कि नहीं है, तो प्रिंसिपल की एक स्कूल में पोस्ट ओपन है और बाकी स्कूल्स में, दो स्कूल्स में टीचर्स की वैकेंसी ओपन है। तो आई होप ये जो आज का वीडियो है आपके काम का है, और आप लोग जो लोग दिल्ली और दिल्ली के आसपास जॉब सर्च कर रहे हैं, मैं विश करता हूँ आप लोगों को जल्दी से जल्दी जॉब मिले। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।